subscribe my channel and hit the bell icon. एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था लैडर के बारे में कि लैडर कितने प्रकार के होते हैं, उसके हजार्ड और उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इस वीडियो पर सेफ्टी से रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट के वीडियो मिलेंगे और मेरी यह प्रयास रहती है कि आपको जिस पॉइंट का मैं वीडियो दूं उसको पूरी तरह से क्लियर करते जाऊं। भले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं सोचता हूं कि क्लियर करते चलो। थ्री पॉइंट क्या होता है अब हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी हम लैडर का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर का चार पॉइंट हमेशा टच में रहता है, यानी हमारा दोनों पैर और दोनों हाथ। दोनों हाथ से हम पकड़ के चलते हैं और हमारे दोनों पैर मूवमेंट करते हैं तब हम लैडर पर चढ़ पाते हैं। तो इस चारों पॉइंट में से किन्हीं तीन पॉइंट का एक समय अटैच होना बिल्कुल जरूरी है और नेसेसरी है। आप कोई भी मटेरियल या इक्विपमेंट अपने हाथ में लेकर लैडर पर नहीं चढ़ सकते हैं। कोई भी मटेरियल लेके आप लैडर से नीचे उतर नहीं सकते हैं। लैडर को आप एज ए किसी भी माल ढुलाई का रास्ता नहीं बना सकते हैं। लैडर को आप सिर्फ एज ए एक्सेस के रूप में यूज कर सकते हैं, सिर्फ मैन मूवमेंट के लिए, न कि मैन मटेरियल मूवमेंट के लिए। समझ गए दोस्त? तो इसमें क्या है, आपको जब भी आप लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉपर एंगल में होता है। लैडर का एंगल होता है 75 डिग्री। आप जब भी यूज करते हैं और आप कोशिश करिए कि जब भी आप जहां लैडर यूज कर रहे हैं ऊपर के तीन रंग्स, लैडर के टॉप के जो तीन रंग्स होते हैं वो प्रॉपर, जो जैसे मान लीजिए ये रूफ है तो तीन रंग्स ऊपर रहने चाहिए ताकि प्रॉपर लैडर काम कर सके और उसका एक पकड़ बनी रहे। और जाते चढ़ते और उतरते समय आपका मुंह लैडर के तरफ होगा और थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट आपका बना रहना चाहिए ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप काफी आसानी से आपने समझा होगा इस पॉइंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।